विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण आज मैं आपके सामने 113 प्रकार के कोर्सों का परिचय प्रस्तुत करूंगा जिन्हें प्लस टू करने के बाद विद्यार्थी अपना सकते हैं अपना भविष्य उनमें संवार सकते हैं तो सर्वप्रथम मैं 113 प्रकार के कोर्सेज का परिचय दूंगा तो आपको क्या करना है आप जिस भी विषय में जाना चाहते हैं या अपनी संतति को भेजना चाहते हैं उनको राइट कर लें कि पांचवें क्रम पर है सातवें क्रम पर बारहवें क्रम पर उसके बाद जैसे ही ये वीडियो प्रारंभ होगी आप स्किप करके अपने उस पॉइंट पर जा सकते हैं और उसका परिचय पा सकते हैं कि वह किस प्रकार का आपका कोर्स रहेगा तो इसमें प्रारंभ में इंट्रोडक्शन होगा परिचय होगा अर्थात उस कोर्स में किया क्या जाने वाला है उसके बाद एलिजिबिलिटी अर्थात योग्यता या दक्षता होगी कि प्लस टू में आपके पास क्या क्या होना चाहिए और आप कैसे उत्तरोत्तर आगे जो है वृद्धि करेंगे उसके बाद में आते हैं कोर्सेज अर्थात जिस प्रकार सामान्य हम बीए करने के बाद बीएड करते हैं एमए करते हैं एम और पीएचडी तो उसमें जो सीक्वेंस होता है वह प्रस्तुत किया जाएगा कि ये ये आयाम आपको करने हैं और वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज वो संस्थान जो इन कोर्सेज को संचालित करते हैं और सभी के सभी जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान होंगे कई बार ऐसा भी होता है कि उस संस्थान को यह परमिशन नहीं होती कि वह इस तरह के कोर्स संचालित करे और बच्चा उन्हें कर लेता है उसका खामियाजा उसे आगे भुगतना होता है तो यह पूरी वीडियो जो है आपको समर्पित है आप स्किप करके अपने कोर्सेज पे जा सकते हैं या इसको पूरा सुन करके जहां आपको या आपके बच्चे को योग्य लगे वो कोर्सेज और सहज लगे वह उनमें अपना भविष्य संवार सकता है तो प्यारे विद्यार्थियों आज हम जिन 113 सौ कोर्सेज की बात करेंगे उनमें पहले नंबर पर है एरोनोटिकल इंजीनियरिंग अर्थात वैमानिकी इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग तीसरे पर है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फोर्थ पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मकैनिक लर्निंग और पांचवें पर है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स अर्थात खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी छठे नंबर पर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सातवें पर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और आठवें नंबर पर है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग अर्थात जैव प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग नौवें नंबर पर है सिरेमिक्स इंजीनियरिंग और दसवें नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग और ग्यारहवें नंबर पर आएगा सिविल इंजीनियरिंग बारहवें नंबर पर होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तेरहवें नंबर पर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और चौदवें नंबर पर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अर्थात संचार इंजीनियरिंग और पंद्रवें नंबर पर है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अर्थात औद्योगिक इंजीनियरिंग और सोलवें नंबर पर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इंटरटेनमेंट अर्थात सूचना संचार और मनोरंजन सत्रहवें नंबर पर रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अठारहवें नंबर पर होगा मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग अर्थात विनिर्माण विज्ञान वाला पार्ट और उन्नीसवें नंबर पर है मरीन इंजीनियरिंग अर्थात समुद्री विज्ञान और बीसवें नंबर पर होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्कीसवें नंबर पर आपको मिलेगा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बाईसवें नंबर पर होगा मेटलर्जी अर्थात धातु विज्ञान तेईसवें नंबर पर है मेट्रियोलॉजी अर्थात मौसम विज्ञान चौबीसवें नंबर पर है माइनिंग इंजीनियरिंग अर्थात खनन वाला पार्ट और पच्चीसवें नंबर पर है नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग अर्थात नौसेना वास्तुकला इंजीनियरिंग और छब्बीसवें नंबर पर है फिजिकल साइंस भौतिक विज्ञान और सताईसवें नंबर पर रहेगा पोलीमर इंजीनियरिंग अट्ठाइसवें नंबर पर रहेगा रोबोटिक्स उनतीसवें नंबर पर हम डिस्क्राइब करेंगे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग तीसवें नंबर पर है एग्रीकल्चर साइंस अर्थात कृषि विज्ञान इकतीसवें नंबर पर होगा बायोलॉजिकल साइंस अर्थात जैविक विज्ञान और बत्तीसवें नंबर पर आएगा बायोटेक्नोलॉजी, अर्थात जैव प्रौद्योगिकी और तैतीसवें नंबर पर रहेगा कंप्यूटर एप्लीकेशंस चौंतीसवें नंबर पर कंप्यूटर साइंस और पैंतीसवें नंबर पर साइबर सिक्योरिटी का हम अध्ययन करेंगे छत्तीसवें नंबर पर हम अध्ययन करेंगे अर्थ साइंस या ज्योग्राफी अर्थात पृथ्वी विज्ञान या भूगोल सैंतीसवें पर रहेगा इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान और अड़तीसवें नंबर पर अध्ययन करेंगे फिशरीज मत्स्य पालन उनतालीसवें नंबर पर फ्लोरीकल्चर या हॉर्टिकल्चर अर्थात फूलों की खेती या बागवानी और चालीसवें नंबर पर रहेगा फूड टेक्नोलॉजी खाद्य प्रौद्योगिकी इकतालीसवें नंबर पर रहेगा फॉरेस्ट्री अर्थात वानिकी और बयालीसवें नंबर पर ओसियोनोग्राफी अर्थात समुद्र विज्ञान और तिरालीसवें नंबर पर रहेगा स्टैटिस्टिकल साइंस अर्थात सांख्यिकीय विज्ञान और चवालीसवें नंबर पर देखेंगे वेटनरी साइंस अर्थात पशु चिकित्सा विज्ञान और पैंतालीसवें पर नंबर पर रहेगा वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी अर्थात वन्य जीव विज्ञान और छियालीसवें पर देखेंगे जूलॉजी सैंतालीसवें नंबर पर रहेगा आयुर्वेदा बीएमएस अड़तालीसवें नंबर पर डेंटल बीडीएस और उनचास नंबर पर होम्योपैथी और पचास नंबर पर नेचुरोपैथी अर्थात प्राकृतिक चिकित्सा और इक्याव इक्यावनवें नंबर पर फार्मेसी बावनवें नंबर पर रहेगा सिद्धा यानी सिद्ध और तिरपनवें नंबर पर यूनानी चौवनवें नंबर पर रहेगा एंथ्रोपोलॉजी अर्थात नृविज्ञान और पिचवनवें नंबर पर आर्कियोलॉजी अर्थात पुरातत्व छप्पनवें नंबर पर आर्ट रेस्टोरेशन अर्थात कला बहाली और सतावनवें नंबर पर क्यूरेशन अर्थात अवधि अठावनवें नंबर पर आएगा एजुकेशनल वोकेशनल स्कूल काउंसलर अर्थात शैक्षिक व्यावसायिक स्कूल परामर्शदाता और उनसठवें नंबर पर रहेगा मोनुमेंट्स एंड स्कल्पचर रेस्टोरेशन अर्थात स्मारक और मूर्तिकला बहाली साठवें नंबर पर रहेगा म्यूजियोलॉजी अर्थात संग्रहालय विज्ञान इकसठवें नंबर पर फिजियोथेरेपी अर्थात भौतिक चिकित्सा बासठवें नंबर पर रिहेबिलेशन साइकोलॉजी अर्थात पुनर्वास मनोविज्ञान और तिरसठवें नंबर पर रिहेबिलेशन थेरेपी अर्थात पुनर्वास चिकित्सा और चौंसठवें नंबर पर रहेगा सोशल वर्क विशेष शिक्षक और सोशल वर्क सॉरी सामाजिक कार्य और पैंसठवें नंबर पर स्पेशल एजुकेटर अर्थात विशेष शिक्षक छियासठवें नंबर पर स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग अर्थात वाक भाषा और श्रवण सड़सठवें पर ला कानून अड़सठवें पर एडवर्टाइजिंग अर्थात की विज्ञापन और उनसठवें नंबर पर जर्नलिज़्म अर्थात पत्रकारिता सत्तरवें नंबर पर मास कम्युनिकेशन जनसंचार और इकहत्तरवें पर होगा पब्लिक रिलेशंस यानि जनसंपर्क बहत्तरवें नंबर पर आर्ट डायरेक्शन कला निर्देशन तिहत्तरवें पर कोरियोग्राफी चौहत्तरवें नंबर पर डायरेक्शन यानि दिशा और पिछहत्रवें नंबर पर फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन अर्थात फिल्म नाटक निर्माण और छिहत्तरवें नंबर पर फाइन आर्ट ललित कला सतरवें नंबर पर रहेगा परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रदर्शन कला अठहत्तरवें नंबर पर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सेवेंटी नाइन पर एनिमेशन और अस्सीवें नंबर पर सिनेमाटोग्राफी अर्थात छायांकन और इक्यासवीवें नंबर पर कम्युनिकेशन डिज़ाइन बयासीवें नंबर पर रहेगा डिज़ाइन तिरासी पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चौरासी पर फोटोग्राफी पिचासी पर एक्चुरियल साइंस अर्थात बीमांकिक विज्ञान छियासीवें पर बैंक मैनेजमेंट अर्थात बैंक प्रबंधन और सतासीवें नंबर पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात व्यवसाय प्रशासन अठासीवें नंबर पर बिजनेस मैनेजमेंट अर्थात व्यवसाय प्रबंधन और 89 पर कोस्ट एंड वर्क अकाउंट अर्थात लागत और कार्य खाते नब्बे नंबर पर रहेगा चार्टेड अकाउंटेंसी 91 पर चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस अर्थात चार्टेड वित्तीय विश्लेषण और बानवे पर रहेगा इवेंट मैनेजमेंट 93 पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट होटल प्रबंधन चौरावा नंबर पर रहेगा होटल मैनेजमेंट और नाइन्टी फाइव पर रहेगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अर्थात मानव संसाधन प्रबंधन नाइन्टी सिक्स नंबर पर रहेगा इंश्योरेंस अर्थात बीमा और नाइन्टी सेवन पर लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट अर्थात रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नाइन्टी एट पर रहेगा मैनेजमेंट यानि प्रबंधन और नाइन्टी नाइन पर बैचलर ऑफ आर्ट्स सामान्यतर जो लोग बच्चे बी ए करते हैं वह और जिसे क्लास स्नातक भी कहते हैं हंड्रेड पर रहेगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा या आप बीएड इसमें कर पाएंगे 101 नंबर पर रहेगा कॉरपोरेट इंटेलिजेंस 102 नंबर पर डिटेक्टिव यानी कोई जासूस बनना चाहे तो यह लाइन अपना सकता है 103 नंबर पर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, अर्थात खाद्य विज्ञान और पोषण और 104 पर फॉरेन लैंग्वेजेस, अर्थात विदेशी भाषाएं, 105 पर होगा होम साइंस गृह विज्ञान और 106 नंबर पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक सौ सातवें नंबर पर रहेगा लिबरल स्टडीज अर्थात उदार अध्ययन एक सौ आठवें नंबर पर रहेगा लाइब्रेरी साइंस पुस्तकालय विज्ञान एक सौ नौ पर मोंटेसरी टीचिंग और एक सौ दस पर न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स अर्थात पोषण और आहार विज्ञान एक सौ ग्यारह नंबर पर रहेगा फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा और एक सौ बारह पर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट खेल और खेल प्रबंधन और एक सौ तेरह में नंबर पर टूरिज्म एंड ट्रेवल्स पर्यटन और यात्रा तो प्यारे विद्यार्थियों एक सौ तेरह नंबर को आप ध्यान में रखें कि आपका नंबर कौन सा होगा तो जिन विषयों में आप अध्ययन या आगे अपना लक्ष्य रखते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ें देखें स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं और एक से ज़्यादा अगर आपका कोई उद्देश्य बनता है तो पहले उसे आप एक पेज पर उनको लिख लेंगे अब हम शुरू करते हैं वन वन, बाय एक एक विषय की विस्तार से व्याख्या। तो पहले नंबर पर आता है एरोनोटिकल इंजीनियरिंग इसमें एक तरफ आप यहां देखें इंट्रोडक्शन परिचय है और परिचय इस प्रकार रहेगा कि वैमानिकी इंजीनियरिंग में एक पाठ्यक्रम में शामिल हैं डिजाइनिंग निर्माण परीक्षण और वाणिज्य में विमान का रखरखाव, विमानन और रक्षा क्षेत्र और इसमें शामिल हैं उन्नत स्तर के भौतिकी का अध्ययन और मैथमेटिक्स गणित और एक तरफ आप देख सकते हैं इसमें योग्यता क्या हो प्लस टू बेस पर एग्जामिनेशन में आपके पास फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ये हो जब आप ये अंडर ग्रेजुएट लेवल इसका कोर्स करेंगे उसके बाद में जब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर जाएंगे तब देखें कोर्सेज जो इस साइड में हैं आप इस प्रकार से सीक्वेंस दर सीक्वेंस इनमें आगे कोर्स करते जाएंगे आप इन्हें नोट करें और एक तरफ दिया हुआ है इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज जो यूनिवर्सिटियां इस कोर्स को कराती हैं आप इनको लिख लें इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करें ये कहाँ हैं तो इस प्रकार से आप इस कोर्स को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे तो कुल नौ संस्थान हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं आप इसको राइट कर लें दूसरे नंबर पर हमारा रहेगा एरोस्पेस इंजीनियरिंग परिचय आप देखिए कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक शाखा है इंजीनियरिंग जो अनुसंधान से संबंधित है इसमें डिजाइनिंग विकास निर्माण परीक्षण विमान और अंतरिक्ष यान इनमें विभाजित किया गया है दो प्रमुख और अति व्याप व्यापी शाखाएं वैमानिकी इंजीनियरिंग से संबंधित पृथ्वी के वायुमंडल में वायुयान और अंतरिक्ष यात्री इंजीनियरिंग जो संबंधित है अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बाहर संचालित यह होते हैं इसमें जो आपकी योग्यता रहेगी वह यहाँ से आप नोट करें इसे रोक करके देख सकते हैं इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और डॉक्टरल लेवल अर्थात पीएचडी वाले स्तर की ओर आप बढ़ते जाएंगे और कोर्सेज को देखें ये रहे वो कोर्सेज बीटेक डिग्री ड्यूअल डिग्री एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम्स इस तरफ ये जो हैं सिक्स के करीब यूनिवर्सिटीज हैं जो इसे करवाती हैं अगर आप देखें हमारे राष्ट्रपति की एक योग्यता जिस प्रकार से उन्होंने अध्ययन आगे किया तो मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाता जाना जाता है अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल और महामहिम जो ये ग्यारहवें राष्ट्रपति के रूप में रहे थे भारत के एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे वह भौतिकी और एरोस्पेस का इन्होंने अध्ययन किया था तो आप यह लाइन भी चूज कर सकते हैं तीसरे नंबर पर जो आता है वह है आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग जो छात्र इस लाइन में जाना चाहते हैं वह परिचय देखें कि इसमें वास्तुकला के बारे में है अर्थात यह वह विज्ञान है जो संबंधित है योजना डिजाइनिंग सुरक्षा सामर्थ्य और मकानों के निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण कार्यालय भवनों गगनचुंबी इमारतों परिदृश्य या पूरे शहर इस प्रकार की जो बातें हैं वह इस लाइन में रहेंगी एक तरफ ये योग्यता दी है और दूसरी तरफ आप देखें इसमें आपको ये कोर्सेज़ करने पड़ेंगे और इस तरफ देखें ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इस तरफ़ हैं आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी डिटेल निकाल सकते हैं कुल जो है ये फोर्टीन के करीब आपकी यूनिवर्सिटीज हैं तो इस प्रकार आप इसे पोज करके इन सबको नोट डाउन कर सकते हैं फोर्थ नंबर पर जो हमारा कोर्स आता है वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग देखिए एक तरफ इसका परिचय दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है और इंजीनियरिंग जिसमें अध्ययन और अनुसंधान आता है बुद्धिमान कंप्यूटर मशीन विकसित करने का इसमें लक्ष्य रहता है जो मानव बुद्धि के साथ कार्य कर सके इसमें वाक पहचान दृश्य धारणा तर्क और निर्णय बहुभाषा अनुवाद और भी अधिक तरह की तथ्य इसमें रहते हैं डेटा के डिजिटल बिट्स की व्याख्या भी इसमें की जाती है महत्वपूर्ण अनुभवों और परिणामों में जो है इसको देखा जाता है रोबोटिक्स ऑटोमेशन इनकी भी इसमें सहायता ली जाती है परिष्कृत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रो, प्रोग्राम जो है इसमें निर्मित किए जाते हैं तो इसी के साथ यहाँ देखें आपकी इसमें योग्यता क्या रहेगी प्लस टू साइंस के साथ हो और आफ्टर बीटेक टेक ए वैलिड एक ये जो गेट का स्कोर होता है परीक्षा का वो इसमें रिक्वायर्ड है तो सब आप चीज़ें देख लें इसमें जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं वह भी आप यहाँ से नोट करें और जो कोर्स इसमें संचालित किए जाते हैं वह देख लें आप ये कोर्स रहेंगे आपके इस तरह से इसमें कोर्स आपके करवाए जाते हैं तो ये कोर्स आप रोक करके कोर्स लिख लें और ये यूनिवर्सिटीज़ लिख लें और इससे संबंधित जो यह एक सोर्स न्यूज़ से प्राप्त हुआ है इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लें कि क्या इसमें कहा गया है जो हमारा पांचवा क्रम है वह देखें एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इसका परिचय जो है वह ऐसा है कि खगोल विज्ञान भौतिकी रसायन विज्ञान का एक संयोजन है और गणितीय सिद्धांत नियम खगोल भौतिकी इसकी शाखा आप कह सकते हैं इन्हें यह विस्तृत से संबंधित है इसमें भौतिक रासायनिक और गतिशील का अध्ययन होता है आकाशीय पिंडों के गुण और पृथ्वी के ऊपर और ऊपर की घटनाएं वातावरण इन सब का अध्ययन होता है कक्षाओं की गणना गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह उल्का आकाश गंगा धूमकेतु तारे ग्रह पिंड ग्रह उपग्रह खगोल भौतिकी इस प्रकार की चीज़ें हम इसमें खोजते हैं तो इसके लिए योग्यता देखिए आप प्लस टू विद पी और इंट्रेंस टेस्ट पी एच डी फॉर्म आई यू सी ए तो इस प्रकार से आप इन्हें नोट कर सकते हैं और यह पूरा परिचय आप लिखें इस तरफ से योग्यता और यहाँ देखें आप इसके दस प्रकार से ये यूनिवर्सिटीज़ हैं कोर्सेज़ जो हैं वह ये देखें पांच प्रकार से यहाँ आपके सामने दिया है एम एस सी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आप इन्हें लिख सकते हैं और एक तरफ़ से आप जो यूनिवर्सिटियाँ इस कोर्स को करवाती हैं उनके नाम राइट कर सकते हैं छठे नंबर पर है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग यहाँ से आप परिचय देखें कि ये ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग का अध्ययन जो है डिज़ाइन करना है वाहनों या वाहनों का विकास निर्माण और परीक्षण करना तो इसमें कुछ तत्व हैं यांत्रिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और सुरक्षा तो इस प्रकार से इसमें इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इसकी आप योग्यता यहाँ से रोक करके लिख लें और जो कोर्सेज़ हैं वो तीन हैं यहाँ पर दिए हुए और इस तरफ जो हैं वह यूनिवर्सिटीज़ हैं आप जैसे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा राजस्थान तो बहुत से छात्र जो है आजकल कोटा का क्रेज़ बना हुआ है तो ये चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं सातवें नंबर पर आता है बायो इंजीनियरिंग इसका परिचय यहाँ से आप देखें कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग का एक अध्ययन है जैसा कि चिकित्सा क्षेत्र में लागू होता है निर्माण कृत्रिमंग चिकित्सा उपकरण नैदानिक उपकरण और दवाएं इसमें पेशेवर क्षेत्र को बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के रूप में जाना जाता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये भी इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं स्वास्थ्य देखभाल बढ़ाने के तरीके और सिद्धांत हड्डी रोग और पुनर्वास इंजीनियरिंग आणविक सेलुलर और उत्तक इंजीनियरिंग भी इसी में आते हैं और ये सब एक अनुशासन का हिस्सा हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन इसे रोक करके उसके बाद में यहाँ पर आ जाती है इसकी योग्यता और ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं इन्हें भी आप देखें और पांच इंस्टीट्यूट हैं जो इसे करवाते हैं और कोर्सेज जो है वो यहाँ पर लिखे गए हैं आप उन्हें अच्छी प्रकार से देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं आठवें नंबर पर आती है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग इसका परिचय देखें कि यह भी एक इंजीनियरिंग की जो है शाखा है इसमें जीव विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी में विषयों की विस्तृत श्रृंखला है जैसे इंजीनियरिंग अनुवांशिकी जैव रसायन के रूप सूक्ष्म जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैव प्रौद्योगिकी के, के विभिन्न अनुप्रयोग पशुपालन टीकों का विकास जैसे क्षेत्र दवाएं कृषि प्रदूषण नियंत्रण ऊर्जा उत्पादन और संरक्षण उपचार लंबी बीमारी और पारिस्थितिकी संरक्षण जैसे जीन थेरेपी, उत्तक संवर्धन प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकियाँ जेनेटिक इंजीनियरिंग दवा डिज़ाइन स्टेम सेल तकनीक नई डीएनए एन प्रौद्योगिकियाँ प्रकाश संश्लेषक दक्षता एंजाइम इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें काफ़ी चीज़ें सम्मिलित हैं आप यहाँ से इसकी योग्यता जो है वो लिख सकते हैं इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इसमें चार हैं और जो कोर्सेज हैं आप वो देख लीजिए ये इस प्रकार नीचे जो है वो कोर्सेज दिए गए हैं इन्हें आप नोट डाउन कर सकते हैं नौवे नंबर पर आता है सिरेमिक्स इंजीनियरिंग और इसमें आप परिचय देखें कि यह भी एक प्रौद्योगिकी विज्ञान है इसमें जैसे अकार्बनिक गैर धातुओं से वस्तुओं का निर्माण सामग्री चूंकि सिरेमिक जो है वो गर्मी प्रतिरोधी है इसलिए वे हैं खनन सहित उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में इसका उपयोग किया जाता है एरोस्पेस दवा रिफाइनरी भोजन और रसायन उद्योग पैकेजिंग विज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स औद्योगिक और संचरण बिजली और निर्देशित प्रकाश तरंग तो इस प्रकार इसमें अध्ययन किया जाता है तो यहाँ से आप इसकी योग्यता देखें और आगे ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं और इस तरफ जो है वह कोर्सेज दिए गए हैं तो आप बी टेक और एम टेक इसमें कर सकते हैं दसवें नंबर पर आता है केमिकल इंजीनियरिंग इसका परिचय देखें केमिकल इंजीनियरिंग डिजाइन है और रासायनिक संयंत्रों का रख रखाव और रासायनिक प्रक्रियाओं का विकास कच्चे माल या रसायनों को परिवर्तित करना और अपशिष्ट पदार्थों से रसायन बड़े पैमाने पर उनको सक्षम करना उनका निर्माण करना और इस प्रकार इसमें रख रखाव विविध क्षेत्र जैसे जैव प्रौद्योगिकी से के क्षेत्रों को कवर करना खनिज प्रसंस्करण के लिए नैनो प्रौद्योगिकी शामिल करता है खनिज में रासायनिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्र हैं पेट्रोकेमिकल से अंतर, फार्मास्यूटिकल्स सिंथेटिक्स फाइबर पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट आदि केमिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन और रासायनिक संयंत्रों का संचालन और सुधार इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं और आप इस तरफ से ये योग्यताएं देखें और उसके उपरांत जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्हें आप लिख लें और जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं तो इन्हें सब आप लिख सकते हैं ग्यारहवें नंबर पर आता है सिविल इंजीनियरिंग इसका आप इंट्रोडक्शन देखें कि इसमें योजना बनाना डिजाइनिंग तैयार करना सिविल इंजीनियरिंग में संरचनात्मक कार्यों का निष्पादन इसमें रहता है इंजीनियरिंग कार्यों की एक विस्तृत विविधता है इसमें पर्यवेक्षण और निर्माण इत्यादि सड़कों पुलों सुरंगों जैसे सार्वजनिक कार्यों की भवन हवाई अड्डे बांध जल कार्य सीवेज सिस्टम पोर्ट आदि और कर, कई प्रकार की पेशकश इसमें होती है चुनौतीपूर्ण करियर के इसमें अवसर हैं सिविल इंजीनियरिंग में योजना बनाना डिज़ाइन करना ये सब जिम्मेदारी इसमें आती हैं और संरचनात्मक जल संसाधन पर्यावरण निर्माण परिवहन भू तकनीकी इस प्रकार का इसमें कार्य रहता है योग्यता आप इसमें देख सकते हैं और उसके बाद में जो इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं जो कि कुल आठ प्रकार से हैं और कोर्सेज जो हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं बीटेक टेक एम टेक और पी तो इस प्रकार से आप इसे रोक करके लिख सकते हैं बारहवें नंबर पर आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन आप इसका देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दोनों शामिल हैं कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यह कंप्यूटर का परीक्षण और डिजाइनिंग इसमें शामिल है अवयव कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं जैसे आगे जो भी इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर uh, तो इस प्रकार की चीज़ें आप इसमें पाते हैं आप इसमें अपनी योग्यता देखें कि प्लस टू विद बायोलॉजी मैथ एंड केमिस्ट्री फॉर आई इट इज़ अ मैंडेटरी ऑफ क्वालिफाई इन द जॉइंट इंटरेस्ट एग्जामिनेशंस जे ई ई द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स इज़ फोर ईयर तो इस प्रकार से आप आगे देखें इंस्टीट्यूट जो यहाँ करवा रही हैं चार प्रकार से ये हैं और कोर्सेज वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जाता है आगे देखें आगे तेरहवें नंबर पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इसका परिचय आप देखें कि इसमें क्या करना होता है वैश्विक स्थिति से लेकर प्रौद्योगिकी का विद्युत ऊर्जा जनरेटर के लिए जो सिस्टम है वह इसमें पढ़ा जाता है इस इंजीनियर डिज़ाइनिंग के लिए परीक्षण करना पर्यवेक्षण करना विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उनका उत्पादन मशीनरी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता इसमें अर्जित की जाती है इसी में बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं संचरण और वितरण संचार विद्युत उपकरण आदि का निर्माण और रोबोट नियंत्रण प्रणाली इसी में रहती है माइक्रोवेव इंजीनियर जो उत्पादन करते हैं आगे रडार संचार फाइबर ऑप्टिक्स सिस्टम संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग सीडी प्लेयर और हाई डेफिनेशन टीवी का तरह जो विद्युतीय वह भी इसमें रहता है तो इस प्रकार इसमें नियंत्रण प्रणाली जैसे हवाई जहाज़ मार्गदर्शन और ऑटो पायलट सिस्टम तो काफ़ी कुछ इसमें एक चैलेंजिंग यह कोर्सेज़ है इसमें आप कई तरह की चीज़ें पा सकते हैं आप इस तरफ से योग्यता देखिए और जो इंस्टीट्यूट इसमें करवाते हैं वह भी रहे तो इसे आप रोकें और इसका स्क्रीन लें और इसके बारे में आप जो है देख सकते हैं कि बी और एम इसमें किया जाता है आगे चौदह नंबर पर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसका अगर परिचय देखें तो इसमें भी उद्योग तेल ऊर्जा कृषि टेलीविजन सहित दूरसंचार मीडिया रेडियो कंप्यूटर इस प्रकार का पाठ्यक्रम इसमें रहता है स्टील जैसे कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भी यह उपयोगी है पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योग स्वास्थ्य सेवा उद्योग और परिवहन उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ से जो आपकी योग्यता है वह देखें और जो कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वह इस प्रकार से हैं जो इंस्टीट्यूट हैं वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं पंद्रहवें नंबर पर आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और इसमें जो योग्यता है वह सिर्फ प्लस टू पास हो और इसका जो परिचय है वह आप देख सकते हैं इसे पोज करके और इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस साइड लिखी गई हैं और जो इसमें कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं इससे आगे चलें सोलवें नंबर पर जो है आप इसे पाते हैं इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट को यहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन नोट करें यह योग्यता है प्लस टू के बाद इसमें भी कोई कंडीशन जो है अप्लाई नहीं है कि आप ऐसा आ, किस प्रकार से करेंगे और जो इसकी इंस्टीट्यूट हैं वो यहाँ से यह कोर्सेज करवा रही हैं और जो सीक्वेंस दर है वह इस प्रकार से चलेगी आफ्टर ग्रेजुएशन जो है आप इस प्रकार के आ, संस्थानों में जा सकते हैं तो ये चीज़ें आप रोक करके इन्हें देख लें सत्तरवें नंबर पर अगर हम बात करें तो आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये इसका इंट्रोडक्शन है कि इसमें क्या होता है इस तरफ से आप योग्यता अपनी देख लें और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कोर्सेज़ इस प्रकार से रहेंगे ये पांच के करीब फेमस यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ से यह कोर्स संचालित तो होता है बात करें अठारहवें नंबर पर तो वह मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग ये इसका परिचय है आप नोट कर सकते हैं योग्यता जो है प्लस टू और इक्विलेंट प्लस टू इसमें द कैंडिडेट मस्ट हैव अ वैलिड जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर इसमें आपको एक स्कोर भी अर्जित करना पड़ता है पहले दे करके के फिर आप जो है इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो यह रही और जो कोर्स है वह है, बी ई या बी टेक इसमें संचालित होता है उन्नीसवें नंबर पर अगर हम बात करें तो वह है मरीन इंजीनियरिंग ये इंट्रोडक्शन है इसका और इस तरफ़ से आप जो है इसकी योग्यता नोट कर सकते हैं और इसके उपरांत जो यूनिवर्सिटीज़ और जो कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उनकी श्रृंखला इस प्रकार से है ये आपकी सिक्स के करीब इंस्टीट्यूट हैं इन्हें आप नोट कर सकते हैं बात करें बीसवें नंबर पर तो वह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसका इंट्रोडक्शन आप यहाँ से देखें कि इसमें क्या क्या आवश्यकताएं या क्या कार्य करने पड़ते हैं ये एक तरफ है योग्यता और इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप यहाँ से उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी जगह से यह संचालित होता है कोर्स और कोर्सेज जो है आगे सीक्वेंस में किस प्रकार बढ़ता है वो इस साइड से आप पोज करके इसे देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें आपको करना पड़ता है पहले नौ नंबर तक इसमें देख लें उसके उपरांत नौ से लेकर के दस और ग्यारह तो इस प्रकार से यह कोर्सेज़ की लंबी श्रृंखला है इक्कीसवें नंबर पर आता है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यह परिचय रहा और यह रही योग्यता आप इसे लिख सकते हैं उसके बाद आप देखें इंस्टीट्यूट जो इसमें करवाए जाते हैं वो ये हैं और कोर्सेज जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं बात करें हम ट्वेंटी टू नंबर पर कि क्या रहेगा तो वह है अपना मेटलर्जी ट्वेंटी टू नंबर पर और इसका यह परिचय इस तरफ़ दी गई है योग्यता और ये जो कोर्सेज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं ये रहेंगे और जो इंस्टीट्यूट हैं अच्छे वाली वो ये रहेंगी आप इनका परिचय पाएं इनके बारे में जानें अवधि जानें और फिर आप जो है इसके प्रति आ, अपना रुचि या रुझान बनाएं बात करें तेईसवें नंबर पर तो आता है मेट्रोलॉजी इसका यह परिचय देखें और ये इस तरफ से जो है योग्यता है और इसी में कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो कोर्सेज इस प्रकार के रहेंगे ये जो है इंस्टीट्यूट हैं जो इसे करवाती हैं बात करें हम ट्वेंटी फोर की तो वह आता है माइनिंग इंजीनियरिंग एक तरफ इंट्रोडक्शन है एक तरफ योग्यता है आप इसे रोक करके अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं और इसमें अगर देखें हम बात कोर्सेज़ की तो ये इस तरफ रहेंगे और इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस साइड में हैं इसे आप रोक करके आठ प्रकार के कोर्सेज़ आगे हैं और इंस्टीट्यूट आठ एक तरफ़ हैं पच्चीसवें नंबर पर यह है नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग ये योग्यता है इसमें इस तरह से आप इसकी परिचय और योग्यता प्राप्त कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज जो है यह एक ही है इसमें बी कोर्स या ड्यूरेशन इसकी फोर ईयर की है बी कोर्स की और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वह पांच प्रकार से हैं इनको आप लिख सकते हैं बात करें यदि छब्बीसवें नंबर पर तो वह आता है फ़िज़िकल साइंस एक तरफ परिचय इस तरफ योग्यता है और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं इसके कोर्सेज़ और यहाँ आप देखिए इंस्टीट्यूट जो हैं वह ये हैं तो इन्हें आप लिख सकते हैं बात करें सताईसवें नंबर पर आता है हमारा पॉलीमर इंजीनियरिंग और यहाँ से ये परिचय देखें और जो योग्यता है उसको नोट करें इसके बाद जो इसकी कोर्सेज़ हैं वह यहाँ से नोट कर सकते हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वह कुल नौ प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हैं बात करें अट्ठाईसवें नंबर का जो हमारा कोर्स रहेगा वह रहेगा रोबोटिक्स का इसमें परिचय आप देख सकते हैं योग्यता जो है आप इसे नोट कर सकते हैं और इसके बाद में जो कोर्सेज करवाए जाते हैं वह ये देख लें बैचलर ऑफ़ टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ़ इंजीनियरिंग इस प्रकार से डिप्लोमा इन रोबोटिक्स और इंस्टीट्यूट जो हैं वह यह, यह यहाँ से इस चीज़ को करवाते हैं बात करें उनतीसवें नंबर पर तो वो है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक तरफ परिचय एक तरफ है योग्यता प्लस टू बेस पे जो है कितने प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं आगे आपको बढ़ना होगा और इसके बाद में इसे आप पूरा लिख लेंगे इसके बाद में कोर्स जो है वो इस तरफ दिखाए गए हैं और यूनिवर्सिटी जो हैं वह इस तरफ दिखाई गई है जहाँ से इस रोबोटिक्स का आप कोर्स कर पाएंगे बात करें हम तीसवें नंबर पर हमारा जो कोर्स है वह रहेगा एग्रीकल्चर साइंस इसमें एक तरफ से परिचय दिया गया है एक तरफ योग्यता दी गई है इन चीज़ों को आप रोक करके अच्छे से लिख सकते हैं और इस तरफ जो इंस्टीट्यूट है वह भी आपको दिखाई दे रहा है इन्हें लिख लें और इसके बाद में देखिए आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज ये रहेगा और यूजी व पीजी कोर्सेज जो है वो इस प्रकार के रहेंगे तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं बात करें हम इकतीसवें नंबर पर आता है हमारा बायोलॉजिकल साइंस और इसका परिचय आप इस तरफ से पढ़ें यहाँ से देखें आप अपनी योग्यता और इसके बाद में ये हैं जो इसके कोर्सेज इस तरफ से इंस्टीट्यूट हैं तो आप इसे अपनी चॉइस बना सकते हैं बत्तीसवें नंबर पर अगर हम बात करें तो वह रहेगा बायोटेक्नोलॉजी एक तरफ से आप परिचय नोट करें और जो आपकी योग्यता है कोर्सेज़ की वह आप लिख लें इसे यहाँ से फिर मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ और आप यहाँ से भी देखें ऑल इंडिया बायोटेक्नोलॉजी इंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है वह भी इसमें दिखाया गया है तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं बड़ी सावधानी से और आगे बढ़ें तैतीसवें नंबर पर जो हमारा कोर्सेज रहेगा वह कंप्यूटर एप्लीकेशंस एक तरफ से योग्यता सॉरी परिचय दूसरी तरफ दी गई है योग्यता और इस तरफ से आप कोर्स नोट कर सकते हैं इस तरफ से यूनिवर्सिटीज तो ये छह प्रकार से इसे यहाँ दर्शाया गया है आगे बढ़ें बात करें चौंतीसवें नंबर पर तो वह होगा हमारा कंप्यूटर साइंस इसका एक तरफ से परिचय योग्यता आप नोट कर सकते हैं और कोर्सेज़ ऑफर्ड बाय आगे आप देख लें इसे जो ऑफ़र किए गए हैं और इसमें जो कोर्सेज़ हैं वह इस तरफ दिखाए यूजी कोर्सेज़ पीजी कोर्सेज़ और डॉक्टर लेवल पर इस तरफ से ये इंस्टीट्यूट जो हैं आप उनके बारे में जान सकते हैं अच्छी प्रकार से पैंतीसवें नंबर की यदि हम बात करें तो वह होगा साइबर सिक्योरिटी इस तरफ से आप परिचय नोट करें यहाँ से योग्यता देखें और जो इसमें कोर्सेज़ करवाए जाते हैं वह हैं इस तरफ और ये दिए गए हैं इसकी इंस्टीट्यूट इन्हें आप लिख लें बात करें छत्तीसवें नंबर पर तो वह रहेगा अर्थ साइंसेस एंड ज्योग्राफी इसका परिचय देखें और योग्यता इस तरफ से आप नोट कर सकते हैं कोर्सेज़ जो हैं वह इस प्रकार से दिखाए गए हैं आप लिख सकते हैं इसमें काफ़ी जो है ऑप्शन हैं तो आप पहले ओशियोनोग्राफ़ी यहाँ तक का नोट करें उसके बाद मैं आगे चलता हूँ इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं जो इंस्टीट्यूट हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ दी गई हैं तो इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं काफ़ी बड़ा इसका क्षेत्र है आप इसे लिख सकते हैं एक से सोलह तक ये इस साइड में देख सकते हैं कोर्सेज़ और आगे बढ़ें बात करें हम सैंतीसवें अपने नंबर की तो वह यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह है इन्वायरमेंटल साइंस और इसमें इंट्रोडक्शन अपना देखें कैसे है और इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप इस साइड से लिख सकते हैं ग्यारहवें नंबर तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी तेलंगाना और जो योग्यता है वह आप यहाँ से देखें कोर्सेज़ ये हैं इन्वायरमेंटल साइंस के और कुछ बातें जो दी गई हैं यहाँ से आप इसके बारे में थोड़ा सा विशेष जो दिखाया गया उसे देखें अड़तीसवें नंबर पर आता है फिशरी साइंसिस ये परिचय और इस तरफ से आप योग्यता देखें आगे जो कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं वो ये हैं बैचलर ऑफ़ फिशरी साइंसिस ये बैचलर ऑफ़ साइंस इन फिशरी बैचलर ऑफ फिशरी साइंस इन फ़िश बायोलॉजी तो आप देख सकते हैं ये इंस्टीट्यूट हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी लास्ट में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश तो इस प्रकार से हम इनकी तह तक जा सकते हैं थर्टी नाइन नंबर पर जो रहेगा वह फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर इस तरफ से आप इंट्रोडक्शन देखें यहाँ से योग्यता को नोट करें और जो इसमें इंस्टीट्यूट वगैरह दिखाए गए हैं वह भी आप यहाँ से देख लें कोर्सेज़ और इंस्टीट्यूट जी बी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर ये है टेक्नोलॉजी उत्तराखंड उसके बाद देखें आप चालीसवें नंबर पर रहेगा फूड टेक्नोलॉजी परिचय देखें और जो योग्यता है उसको नोट करें जो कोर्सेज़ इसमें दिखाए गए हैं वह इस प्रकार से हैं डिप्लोमा कोर्स बैचलर इन साइंस मास्टर इन साइंस और इस तरफ से दिखाए गए हैं यूनिवर्सिटी जी मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर तो आप नोट कर लें इन्हें इकतालीसवें नंबर पर जो रहेगा वह रहेगा फॉरेस्ट्री इस तरफ से आप परिचय देखें योग्यता नोट करें और जो यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ हैं वह आप एक बार फिर से इसमें देख लें कोर्सेज़ और ये इस तरह से हैं जो यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय आगे देखें बयालीसवें नंबर पर ये रहेगी आपकी ओसीोनोग्राफी इंट्रोडक्शन और योग्यता को आप नोट कर लें उसके बाद यदि कोर्सेज़ की हम बात करें तो यह देखें इस तरफ और इंस्टीट्यूट जो है वो इस तरफ दी गई हैं नोट कर लें इन्हें बात करें फोर्टी थ्री नंबर पर तो मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स स्टेटिस्टिकल साइंस इस तरफ से परिचय इस तरफ से दी गई हैं योग्यता नोट कर लें इन्हें और आगे यदि हम बात करें इसके ऑफर्ड कोर्स की तो ये रहे कोर्स आपके काफ़ी लंबी विस्तृत श्रृंखला है इस तरफ से जो है इंस्टीट्यूट दिए गए हैं तो ये तेरह प्रकार की कोर्सेज हैं इन्हें आप नोट कर लें बात करें फोर्टी फोर नंबर पर तो वह रहेगा हमारा वेटनरी साइंस इसमें परिचय देखें इसकी योग्यता जो है वह नोट कर लें क्योंकि जब ये आप लिख लेंगे तब आपको इनके बारे में और भी अतिरिक्त जानकारियां प्राप्त होंगी कि समय अवधि क्या है कोर्स कितने प्रकार के आपको करने होंगे और कराने वाली यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं बात करें फोर्टी फाइव नंबर पर जिसका नंबर आता है वह वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी इसमें परिचय देख लें और योग्यता जो है वह नोट करें आगे जो इसके अंदर कोर्सेज और कॉलेज या इंस्टीट्यूट हैं वो इस प्रकार से हैं इन्हें आप ध्यान से देखें बात करें फोर्टी सिक्स नंबर पर जो है वह आता है जूलॉजी परिचय देखें योग्यता और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपका सहयोग कर रही है वह कोर्स करवाने में तो आप उनको नोट कर लें साथ हैं इसमें यदि हम बात करें फोर्टी सेवन नंबर पर तो वह है आयुर्वेदा बी एम एस यहाँ आप परिचय देखें इस तरफ दिया गया है योग्यता और उसके बाद ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वह देखें एक से लेकर नौ और फिर आगे ग्यारह तक हैं इस तरफ जो है वह कोर्सेज़ दिए गए हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं एक तरफ कोर्सेज़ हैं और एक तरफ जो है ये ग्यारह तक के आपके इंस्टीट्यूट हैं और यदि हम बात करें फोर्टी एट नंबर पर तो वह कोर्सेज़ होगा डेंटल बी एक तरफ है परिचय आप इसे नोट करें दूसरी तरफ है योग्यता और उसके बाद में देख लें आप इसे उसके बाद में जो कोर्सेज़ हैं वह इस तरफ दर्शाए गए हैं और एक तरफ हैं आपके वो संस्थान जो इन कोर्सेज को संचालित करते हैं फोर्टी नाइन नंबर पर जो हमारा कोर्सेज़ है वह है होम्योपैथी एक तरफ जो है इसका परिचय दिया गया है दूसरी तरफ योग्यता आप देख सकते हैं उसके बाद ये परिचय आप ध्यान से इसे लिख लें उसके बाद में जो है इंस्टीट्यूट हैं एक तरफ और एक तरफ़ दिए गए हैं कोर्सेज इन्हें आप अच्छी प्रकार से लिख लें और इसका पूरा परिचय जो है वह आप प्राप्त करें पचासवें नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह नेचुरोपैथी एक तरफ परिचय दिया गया है इसे आप नोट करें उसके बाद में जो है योग्यता दी गई है उसे नोट करें और फिर देखें कि किस प्रकार से इसमें कोर्सेज हैं ये इंस्टीट्यूट हैं जो इस कोर्स को करवाती हैं और ये हैं कोर्सेज जो आपको करने पड़ते हैं तो इन्हें आप एक जगह इस वीडियो को पोज करके आप सबको लिख सकते हैं यदि हम बात करें इक्यावनवें नंबर पर तो वह आता है अपना फार्मेसी और इसका एक तरफ लिखा हुआ है परिचय दूसरी तरफ है योग्यता इसमें प्लस टू साइंस के साथ हो फार्मेसी करने में और आगे आप देखें जो ये कोर्सेज हैं फार्मेसी में ये इस तरह चलेंगे और इस तरफ जो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं वह ये हैं जो इन कोर्सेज़ को करवाती हैं और आगे चलें बावनवें नंबर पर आता है सिद्धा इसका परिचय आप इस तरह से देखें ओल्डेस्ट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये और इसके लिए प्लस टू विद फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बोटनी इसमें हो और इसको आप अच्छी तरह से रोक करके इसे लिख सकते हैं एक तरफ हैं कोर्सेज और दूसरी तरफ दिया है इंस्टीट्यूट जहां से यह किया जाता है में नंबर पर है यूनानी और इसका परिचय देखें और जो योग्यता है इसकी वह आप यहां से नोट कर सकते हैं और इसी के साथ जो कोर्सेज़ हैं वह इस प्रकार से हैं और इस साइड में है यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से यह कोर्सेज़ संचालित होते हैं इस प्रकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और आगे देखें चौवनवे नंबर पर एंथ्रोपोलॉजी एक तरफ परिचय है एक तरफ है योग्यता कि इसमें आपको प्लस टू के साथ फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड और मैथमेटिक्स एज अ मैन सब्जेक्ट रखना होता है इसी के साथ आप यहाँ से नोट करें कोर्सेज बी ए बी एस सी एम एम फिल पी एच डी इस तरह सीक्वेंस दर सीक्वेंस आगे ये बढ़ते हैं और इस तरफ से हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ जो इसे संचालित करवाते हैं फिफ्टी फाइव नंबर पर जो है वह है आर्क्योलॉजी इसका एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता प्लस टू विद हिस्ट्री और इसके लिए जो कोर्सेज़ हैं वह देख लें यहाँ सीक्वेंस दर सीक्वेंस आगे बढ़ते क्रम में और एक तरफ़ हैं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ जो इसे संचालित करवाती हैं फिफ्टी सिक्स नंबर पर है आर्ट रेस्टोरेशन और इसकी परिचय देखिए आप और योग्यता जो है प्लस टू क्लास इन एनी स्ट्रीम किसी भी सब्जेक्ट से आपकी प्लस टू हो अगर आप आर्ट रेस्टोरेशन करना चाहते हैं और इसी के साथ देखें आप कोर्सेज में क्या रहेगा एक तरफ दिया है इंस्टीट्यूट जहां से यह कोर्स संचालित होता है तो आप इनको रोक करके फिर देख सकते हैं फिफ्टी सेवन नंबर पर है क्यूरेशन एक तरफ इसका परिचय है कि क्यूरेटर इज अ मैनेजर ऑफ ओवरसियर ऑफ अ कल्चरल हेरिटेज या आप इसमें अच्छी प्रकार से नोट कर सकते हैं और इसकी योग्यता जो है वह है प्लस टू उसमें बैचलर डिग्री इन आर्ट हिस्ट्री तो इस प्रकार से आप सब कुछ रोक करके अच्छी प्रकार से इसे नोट कर सकते हैं उसके बाद में जो इसमें कोर्सेज हैं वह है एम ए और पी एच डी का रहेगा और एक साइड जो है वह संस्थान जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है फिफ्टी एट नंबर पर रहेगा आपका एजुकेशनल वोकेशनल स्कूल काउंसलर एक तरफ है इसका परिचय एक तरफ है योग्यता कि आप जब ग्रेजुएट इसमें करते हैं तो किस प्रकार से आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हों और एक तरफ दिया इसमें कोर्सेज कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे और एक तरफ है वो यूनिवर्सिटीज जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है फिफ्टी नाइन पर है मोनूमेंट्स एंड स्कल्पचर रेस्टोरेशन इसमें आप देखिए एक तरफ परिचय है एक तरफ योग्यता प्लस टू विद हिस्ट्री और इसी के साथ आप इसे रोक करके लिख सकते हैं और जो कोर्सेज़ रहेंगे वह आप देख सकते हैं ऐसे आगे बढ़ना होगा और ये जो इंस्टीट्यूट हैं संस्थान जहां से यह कोर्स संचालित होता है साठवें नंबर पर आता है म्यूज़ियोलॉजी इसमें एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता इसमें सिर्फ आपको प्लस टू करनी होती है एनी स्ट्रीम किसी भी विषय में और ये हैं कोर्सेज़ दो पीजी डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी और एमए इन म्यूजियोलॉजी एक तरफ से हैं ये संस्थान जो यह कोर्स संचालित करवाते हैं सिक्सटी वन नंबर पर है फिजियोथेरेपी एक तरफ परिचय है एक तरफ है योग्यता आप इसे लिख सकते हैं और आगे जो कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं वह भी आप यहाँ से नोट डाउन करें इस तरफ ये आपकी रही यूनिवर्सिटीज़ इन्हें आप लिख लें सिक्सटी टू नंबर पर जो है वह है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी एक तरफ है इसका परिचय एक तरफ वह योग्यता जिसमें आप यह कोर्स करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ आगे है आपकी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ जो यह कोर्सेज संचालित करती हैं ये आप देख सकते हैं और नौ प्रकार से यह संस्थान हैं और आगे बढ़ते हैं सिक्सटी थ्री नंबर आपका रहेगा रिहैबिलिटेशन थेरेपी एक तरफ है आपका इंट्रोडक्शन कि इसमें आखिर होता क्या क्या है और एक तरफ है योग्यता और इसमें आप इंस्टीट्यूट और कोर्सेज देख सकते हैं ये कोर्सेज़ हैं इसके एट प्रकार से और इस साइड में हैं इसके संस्थान जो यह कोर्स संचालित करवा रहे हैं और कोर्सेज में कुछ ज़्यादा आपको करना पड़ता है जैसे एक नंबर से लेकर के बारह तक उससे नीचे नहीं है तो आप इन्हें एक बार रोक करके लिख सकते हैं अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो सिक्सटी फोर नंबर पर है आपका सोशल वर्क कुछ बच्चे जो है इस दिशा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए परिचय देखें आप सोशल वर्क में क्या करेंगे और एक तरफ़ है योग्यता यदि कोई सामाजिक सेवा करना चाहता है तो उसे इस प्रकार से आगे बढ़ना होगा और इसमें ये जो कोर्सेज हैं वो इस प्रकार से रहेंगे और ये जो इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये रहेंगी जो इसको संचालित करवाती हैं सिक्सटी फाइव नंबर पर रहेगा स्पेशल एजुकेटर ये रहा परिचय और यह रही योग्यता इसको आप लिखें और आगे जब आप देखते हैं ये कोर्सेज़ रहेंगे इसमें एम फिल तक और इस तरफ हैं इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो इस कोर्स को संचालित करवाती हैं सिक्सटी सिक्स नंबर पर रहेगा स्पेशल लैंग्वेज एंड हियरिंग एक तरफ़ है परिचय एक तरफ है योग्यता आप इसे लिख लें और इसे पोज कर लें एक बार फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो एक तरफ दिया हुआ है कोर्सेज और एक तरफ़ हैं ये यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को करवाती हैं आप यहाँ से इन्हें रोक करके लिख सकते हैं सिक्सटी सेवन नंबर पर है ला जो बहुत से बच्चे करते हैं कि हम ला करेंगे उसके लिए परिचय है कि आपको इसमें करना क्या पड़ता है और एक तरफ है योग्यता प्लस टू विद एनी सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ फाइव ईयर तो इस प्रकार से आपकी योग्यता रहेगी और इसी के साथ जो कोर्सेज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपके कोर्सेज़ रहेंगे और एक तरफ़ से हैं यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है कई बार हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से कोर्स कर लेते हैं जिनकी मान्यता नहीं होती और फिर बड़ी बात में दिक्कत इसमें आती है सिक्सटी एट नंबर पर है एडवरटाइजिंग इसमें यह परिचय है और एक तरफ़ दी गई है योग्यता इन सबको आप लिख सकते हैं रोक करके इसे और इसमें जो कोर्सेज़ हैं वह आप देख लें इस प्रकार से ये कोर्स रहेंगे और एक तरफ़ हैं वो संस्थान जो इस कोर्स को संचालित करवाते हैं तो इन चीज़ों को आप विशेष नोट करें सिक्सटी नाइन नंबर पर जो है यह भी छात्रों की प्रिय पसंद होता है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म इसमें एक तरफ फिर वही परिचय और एक तरफ से है योग्यता आप इसे लिख लें रोक करके और इसमें जो कोर्सेज़ हैं वह देख लें कि किस प्रकार से इसमें आगे कोर्सेज़ आपको प्राप्त होते हैं और एक तरफ से है वो संस्थान जो इस कोर्स को संचालित करवाते हैं सेवेंटी नंबर पर जो कोर्सेज़ है वह है हमारा मास कम्युनिकेशन एक तरफ दिया है परिचय एक तरफ है योग्यता मास कम्युनिकेशन में भी बहुत से छात्र जाते हैं तो आप इसको अच्छी प्रकार से लिख लें और एक तरफ है इसकी इंस्टीट्यूट जो इस मास कम्युनिकेशन को करवाते हैं और जो कोर्सेज़ हैं वह भी आप देख लें इसको करवाने वाले संस्थान बहुत ज़्यादा हैं एक से लेकर बारह तक एक बार रोक के करें उसके बाद बारह से लेकर के आप सत्रह तक रोक करके इन्हें लिख लें और इस तरफ जो है वह कोर्सेज़ है कि किस प्रकार से आप इसमें आगे बढ़ते हैं बीए बीबीए पीजी डिप्लोमा एमए एमए ये आप जो है देख लें और लास्ट में पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन तो आप इसे अच्छी प्रकार से आ, सीख सकते हैं और कर सकते हैं इकहत्तरवें नंबर पर जो कोर्स है वह है पब्लिक रिलेशन एक तरफ आप परिचय लिख सकते हैं इसके लिए योग्यता जो है वह आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसके लिए जो कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पर लिखे हैं एम ए और एम एक तरफ से वो संस्थान जहाँ पर आप यह कोर्सेज़ अपना करते हैं इन यूनिवर्सिटियों को लिख करके के इनकी मान्यता प्राप्ति किस किस सब्जेक्ट से है अर्थात कहाँ कहाँ तक ये इनकी सीमा है करवाने की हद तो वह जान के ये कहाँ पढ़ते हैं क्या नहीं तो आप सब कुछ इन्हें नोट डाउन करके आगे अपने फ्यूचर के लिए बढ़ सकते हैं सेवेंटी टू नंबर पर है आर्ट डायरेक्शन ये परिचय और एक तरफ है योग्यता आप इसे देख सकते हैं अच्छी प्रकार से और उसके बाद में इंस्टीट्यूट जो हैं वह यह चार हैं जो इसमें डिप्लोमा यह करवा रहे हैं और इसी के साथ आगे देख सेवेंटी थ्री नंबर पर जो कोर्स है वह है कोरियोग्राफी एक तरफ परिचय है एक तरफ योग्यता प्लस टू हो बस किसी भी स्ट्रीम में इतना काफ़ी है कोरियोग्राफी के लिए और इसका जो कोर्सेज़ है वह है इस प्रकार से रहेंगे और जो संस्थान हैं वह ये रहेंगे जो इसे संचालित करते हैं सेवेंटी फोर नंबर पर जो कोर्स है वह है डायरेक्शन और आप देख सकते हैं एक तरफ है इसके लिए परिचय दूसरी तरफ है योग्यता बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एनी स्ट्रीम इस इसमें भी आप कोई भी कर सकते हैं और इसके लिए जो इंस्टीट्यूट हैं वह है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे बहुत से जो छात्र या छात्राएँ हैं आजकल डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो कोर्सेज संचालित हैं वह यह देख लें इस प्रकार से इनके कोर्सेज रहेंगे तो आप निसंदेह इनमें जा करके अपनी योग्यता को आज़मा सकते हैं सेवेंटी फाइव नंबर पर जो रहेगा वह रहेगा फिल्म ड्रामा प्रोडक्शन एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता कि आपके पास में क्या हो और इसके बाद जो कोर्सेज़ हैं वह आप यहाँ से देख सकते हैं इंस्टीट्यूट जो करवाने वाले हैं ये रहेंगे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद सिक्स वाला लास्ट और जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह से आपके चलेंगे तो आप इन्हें देख सकते हैं कि आप किस प्रकार अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं सेवेंटी सिक्स नंबर पर जो हमारा रहेगा कोर्स फाइन आर्ट्स का एक तरफ दिया है परिचय एक तरफ है योग्यता प्लस टू विद एनी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट में आपके सिर्फ प्लस टू होने चाहिए और इसी के साथ जो कोर्सेज हैं वो आप देख सकते हैं ये रहेंगे इस प्रकार लास्ट में पीएचडी ही होती है लगभग ऐसे कोर्सों में और ये हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसे कोर्सों को संचालित करवा रही हैं मान्यता प्राप्त 77 सेवन नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह रहेगा परफॉर्मिंग आर्ट्स इसमें ये परिचय है जो करना पड़ता है इसमें और योग्यता ये रहेगी इसी के साथ जो इसके कोर्सेज़ और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यह रहेंगे यहाँ से आप लिख सकते हैं इन्हें जो संस्थान इसे संचालित करते हैं उनका यह परिचय रहेगा सेवेंटी एट नंबर पर हमारा कोर्स रहेगा वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल और एक तरफ परिचय दिया है एक तरफ है योग्यता आप इसे लिख सकते हैं और जो कोर्सेज़ हैं इसमें वह इस प्रकार से रहेंगे आप इन्हें लिख लें और एक तरफ दी गई हैं वो संस्थान या यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को संचालित करते हैं ये मान्यता प्राप्त हैं यहाँ से आप इसे कर सकते हैं सेवेंटी नाइन नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह रहेगा विजुअल आर्ट एंड कम्युनिकेशन एनिमेशन एक तरफ है इसका परिचय और एक तरफ है योग्यता वह आप रोक करके इसे लिख लें कि इसमें आपको आखिर करना क्या पड़ता है एक तरफ इंस्टीट्यूट हैं इन्हें आप लिख सकते हैं और ये देखिए जो दूसरी तरफ है आपके कोर्सेज़ ये इसमें कोर्सेज रहेंगे एनिमेशन वाले में और एक तरफ से जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं जिन बच्चों में अद्वितीय प्रतिभा होती है उनके लिए इस क्षेत्र में बहुत कुछ है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं अस्सी नंबर पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह रहेगा सिनेमेटोग्राफी इसमें एक तरफ परिचय और एक तरफ योग्यता जो है वह आप इसे रोक करके पूरी तरह से लिख लें और इसकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरफ से हैं जहां यह कोर्स संचालित तो होता है तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं कोर्सेज भी और इसके साथ योग्यता भी यहां पर दी गई है कि आपके पास में क्या हो एटी वन पर जो हमारा कोर्सेज होगा वह है कम्युनिकेशन डिज़ाइन एक तरफ परिचय एक तरफ योग्यता सिर्फ प्लस टू हो इसमें आप कह सकते हैं एनी स्ट्रीम आपके पास में कोई पूछा नहीं जाता कि क्या है किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपकी ये हो कम्युनिकेशन डिज़ाइन में और एक तरफ दिए हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है और एक तरफ दिए गए हैं कोर्स ऑफर्ड जो आप कर सकते हैं तो बहुत से छात्राएं जो हैं इसमें प्रवेश लेती हैं तो आप अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं इसमें बयासीवें नंबर पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह रहेगा डिज़ाइन का एक तरफ परिचय और एक तरफ योग्यता इसमें भी आफ्टर प्लस टू यह आप कोर्स कर सकते हैं और रोक करके आप इसे लिख लें सब कुछ यहाँ से है इसकी आफ्टर ग्रेजुएशन आपको यह चलना पड़ता है और जो संस्थान है इसे संचालित करवाने वाले वह यह रहेंगे मान्यता प्राप्त तिरासीवें नंबर पर जो कोर्स होगा वह रहेगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग इसमें एक तरफ परिचय है एक तरफ है ये योग्यता आप इसे नोट कर लें और ये रहेंगे संस्थान जो इसे करवा रहे हैं इसे भी आप लिख लें और जो कोर्सेज़ होंगे वह एक तरफ दिए गए हैं तो यहाँ से आप अपने कोर्स को देखें कुछ छात्र जो है वह फोटोग्राफी की ओर बढ़ते हैं कि हम यह करेंगे तो इसमें देखें सिर्फ आपके पास प्लस टू हो और एक तरफ़ है परिचय कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं वह देख लें लिख लें इसको एक तरफ़ है इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो इसमें आगे आप से ये कोर्स संचालित करवाते हैं और एक तरफ़ रहेगा आपका ये कोर्सेज़ कि इसमें आप क्या करते हैं तो यहाँ से आप यह मनोरंजक कोर्स कर सकते हैं एटी फाइव नंबर पर जो हमारा कोर्स होगा वह एक्टोरियल साइंस एक तरफ इसका परिचय और एक तरफ है योग्यता कि आपके पास आ, क्या क्या योग्यता हो प्लस टू में कौन कौन से सब्जेक्ट हो जिसमें आप यह कोर्स कर सकते हैं तो इसे आप रोक करके एक बार लिख लें बहुत कुछ इसमें मांगा जाता है और अगर बात करें कोर्सेज़ की तो ये रहेंगे इसमें इस तरफ़ वाले कोर्स और जो संस्थान हैं इसमें करवाते हैं वह रहेंगे इस तरफ दिखाए गए ये कोर्स हैं आपके और ये रहेंगे इंस्टीट्यूट या वो संस्थान जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है तो इस प्रकार आप अपने फ्यूचर को बना सकते हैं जो बच्चे बैंक मैनेजमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वह देख लें यह हमारा एटी सिक्स नंबर पर कोर्स है बैंक मैनेजमेंट एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता कि प्लस टू विद अकाउंट्स के साथ हो मैथ हो और इकोनॉमिक्स हो तो वही बच्चे जो है इस साइड में जा सकते हैं और इसके लिए जो कोर्सेज़ हैं वह ये रहे और जो यूनिवर्सिटीज़ या संस्थान हैं जो इस कोर्स को संचालित करते हैं वह ये होंगे तो आप अपने फ्यूचर को यहाँ भी बना सकते हैं एटी सेवन नंबर पर जो हमारा कोर्स होगा वह है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता इसे आप रोक करके लिख सकते हैं और जो इसमें कोर्सेज़ होंगे वह इस प्रकार से होंगे आप इन्हें यहाँ से राइट करें और जो इसको करवाने वाले संस्थान हैं वो एक तरफ आप लिख सकते हैं इन्हें 88 नंबर पर जो हमारा कोर्स होगा हो वह है बिजनेस मैनेजमेंट इसके लिए परिचय देखें और जो योग्यता है वह है आप इसमें देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में प्लस टू पास विद एनी डिसिप्लिन और इक्विलेंट ग्रेजुएशन के तौर पे आपको आगे क्या और इस तरह से आप उत्तरोत्तर इसकी योग्यता देख सकते हैं लिख सकते हैं इसे रोक करके जो कोर्सेज इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं वह इस प्रकार रहेंगे बी बी ए बी ए इकोनॉमिक्स और बी ए ये बी कॉम या एम कॉम एक तरफ जो हैं इसमें दिए हैं आपकी यूनिवर्सिटी जहां से यह कोर्सेज संचालित होते हैं मान्यता प्राप्त ये संस्थान हैं आगे बढ़े एटी नाइन नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह रहेगा कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंट वही इसमें भी एक तरफ आपका परिचय है एक तरफ आप इसमें योग्यता देख सकते हैं आपके पास क्या क्या हो एक तरफ है इसमें कोर्सेज और एक तरफ है वो संस्थान जो इस कोर्स को करवाते हैं तो ये आपके रहेंगे वो संस्थान जो इस कोर्स को करवाते हैं इसमें आप अच्छी प्रकार से इन्हें लिख लें ये संस्थान है और ये रहे आपके वो कोर्सेज और ये आपकी योग्यता और इसका परिचय नब्बेवें नंबर पर नाइन्टी नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह है चार्टेड अकाउंटेंसी इसमें एक तरफ है परिचय एक तरफ दी है योग्यता कि आपके पास में किस प्रकार की योग्यता हो और एक तरफ़ दिए गए हैं यहाँ इसे रोक करके लिख लें एक तरफ़ दिए गए हैं एडमिशन प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह कोर्स है जो बच्चे ज़्यादा मेधावी होते हैं है, वह इसे प्रेफरेंस देते हैं एक तरफ कोर्स हैं सी ए और एक तरफ़ है इंस्टीट्यूट जो इसे करवाते हैं और ये रहा उसका एडमिशन प्रोसेस कि किस प्रकार से आप इसे कर पाते हैं तो यूनिवर्सिटी भी इसमें एक ही दे रखी है न्यू दिल्ली की द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंसी या अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा संस्थाएं इसे नहीं करवाती हैं और एडमिशन भी इसमें जिस प्रकार से मिलता है वह आप देख सकते हैं नाइन्टी वन पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस रहेगा इसका परिचय देख लें और योग्यता जो है वह भी इसमें लंबी चौड़ी है वह भी आप नोट कर लें कि आपके पास किस तरह की दक्षता हो और इसी के साथ जो इसमें कोर्सेज करवाए जाते हैं वह भी आप नोट कर सकते हैं ये कोर्स रहेंगे और इसके अंदर आप एग्जाम्सम जो हैं वह देख लें यहाँ पर काफ़ी मेधावी बच्चों का यह प्रोग्राम रहता है इसमें एडमिशन टेस्ट भी होते हैं आप उसको भी देख लें सीधे आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते और अदर प्रोग्राम्स जो हैं वह भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं तो इस प्रकार से यह आपका कोर्स रहेगा चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस का और जो आगे बढ़ते हैं क्रम में नाइन्टी टू नंबर पर जो हमारा होगा वह इवेंट मैनेजमेंट एक तरफ परिचय है एक तरफ जो है वो इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को संचालित करती हैं इवेंट मैनेजमेंट को और एक तरफ़ दिया है इसमें आपकी योग्यता प्लस टू विद गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश इसमें इस आंगल भाषा का ज़्यादा महत्व रखता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसमें होती है और जो कोर्सेज़ हैं वो यह रहते हैं तो इन सब को आप एक बार लिख लें और फिर इसकी विस्तार से आप जो है खोज करें पता करें विवेचना करें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ हैं इन कोर्सेज़ में हमें क्या क्या करना होता है नाइन्टी थ्री नंबर पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह रहेगा हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक तरफ परिचय है एक तरफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ जो इस कोर्स को करवाती हैं आप इन्हें लिख लें बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ हैं ये एक से लेकर पहले आप बारह तक को लिख लें और फिर जो है बारह से लेकर इसे पंद्रह तक आप लिख लें यहाँ देखें प्रारंभ में इसकी जो है योग्यता भी दर्शाई गई है कि आपके पास में क्या क्या हो यह कोर्स करने के लिए और एक तरफ से ये जो कोर्स हैं किस सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे वह भी इसमें दिखाया गया है इससे आगे देखें नाइन्टी फोर नंबर पर वह कोर्स है होटल मैनेजमेंट यह कोर्स करने के लिए बहुत से छात्र छात्राएं विदेशों में जाते हैं वहाँ काम भी करते हैं और साथ में इनकी स्टडी भी होती है अर्निंग विद स्टडी तो इसमें आपके पास प्लस टू इक्विलेंट एग्जाम और डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन कोर्सेज तो आप इसमें योग्यता देख लें अपने कि किस प्रकार से आपके पास में होना चाहिए और यहाँ से आप परिचय कि इसमें आपको करना क्या क्या पड़ता है अच्छी प्रकार से सब देख लें ट्रेनिंग इन होटल्स एज अपेरेंटिस बड़े बड़े होटल जो है अब आगे आ रहे हैं इंडिया में फाइव स्टार तो उनमें एक अच्छा फ्यूचर है आप इन सब को देख लें इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियाँ हमारे भारत की जो से संचालित करती हैं और इसके अंदर जो कोर्स हैं वो भी इस प्रकार के रहते हैं फूड एंड बेवरेज इन फ्रंट ऑफिस डिप्लोमाइन हाउस कीपिंग इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जहां अलग अलग तरह से आप डिप्लोमा अपने ये कोर्सेज़ अर्जित करते हैं या इनकी ओर जाते हैं नाइन्टी फाइव पर हमारा जो कोर्स रहेगा वह रहेगा ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट एक तरफ है परिचय एक तरफ है योग्यता किसमें ग्रेजुएशन जो है वो उसके लिए प्लस टू चाहिए पीजी के लिए क्या क्या चाहिए तो आप सारा का सारा इसमें अपना देख सकते हैं कि किस प्रकार की दक्षता आप में हो और जो कोर्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपको इसमें कोर्सेज अफोर्ड किए जाते हैं और ये यूनिवर्सिटीज हैं जो इन कोर्सों को संचालित करती हैं मान्यता प्राप्त 96 सिक्स पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह है इंश्योरेंस एक तरफ है योग्यता एक तरफ है इसका परिचय और ये रही इसकी योग्यता आप देख सकते हैं इसे रोककर पहले आप इसे रोक लें अच्छी तरह अपने कॉपी पे लिख लें फिर इसके बारे में विस्तार से आप जानकारी प्राप्त करते रहें और ये रखे हैं इसमें कोर्सेज और ये वो संस्थान हैं जहाँ पर आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं नाइन्टी सेवन पर जो हमारा कोर्स है वह है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरफ है परिचय एक तरफ है इसकी योग्यता और अंडर ग्रेजुएट पर आपको जो है प्लस टू चाहिए और पीजी लेवल पर आपको बीए या बीबीए इस प्रकार से आपको जो है यह योग्यताएं अर्जित करनी होती हैं और ये परिचय और आप इसे रोक करके एक बार देख लें उसके उपरांत जो है आप यहाँ जो कोर्सेज़ प्रोवाइड आपको किए जाते हैं वो लिखें और जो संस्थान यह संचालित करवाते हैं कोर्स उन्हें आप यहाँ से रोक करके लिख सकते हैं नाइन्टी एट नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह है मैनेजमेंट इसमें परिचय आप देखें क्या क्या करना पड़ता है और आप योग्यता यहाँ से लिख सकते हैं ये आप में दक्षता होनी चाहिए और इसके बाद आप देखें ये वो कोर्सेज़ हैं जो आपको इसमें करने पड़ते हैं बीबीए या एमबीए मास्टर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एमएमआर एम जिसे बोलते हैं और लास्ट में पीएचडी तक यह जाता है और ये वो जो संस्थान जो इस कोर्स को करवाते हैं आप लिख सकते हैं इन सबको और आगे देखें आप 99 नंबर पर जो लगभग 99 परसेंट ही बच्चे जिसे करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स अर्थात जो सिंपल आप बीए करते हैं वह तो इसमें आपके पास सिर्फ प्लस टू हो इसमें आप कर क्या क्या सकते हैं वह परिचय आप इसमें देख लें और ये जो इंस्टीट्यूट हैं अर्थात इतने इंस्टीट्यूट हैं हर जगह भारत में यह होता है तो इसके लिए कोई विशेष स्पेसिफिक या नहीं दिया गया पहले आप इसमें बीए करते हैं फिर एम करते हैं फिर पीएचडी करते हैं आगे किसी भी सब्जेक्ट में आप एम फिल कर सकते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आप अलग अलग आ, इसमें साइड में जा सकते हैं यह कॉमन चीज़ है तो इसे आप नोट करें हंड्रेड नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह रहेगा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड वगैरह जो करते हैं और बैचलर ऑफ एजुकेशन इसमें जब आप बी वगैरह करते हैं तो यह देखें परिचय कि इसमें आप करते क्या हैं अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बी टीचिंग वाइज होती है एक तरफ़ है योग्यता कि इसमें क्या आपके पास दक्षता हो इन्हें आप लिख सकते हैं और यहाँ से देखें इसके कोर्सेज़ ये होते हैं डी है बी है, है और बी एड इस चीज़ में आपको मिलती है एम है और एम भी आप जो है इन इन चीज़ों में कर सकते हैं उसके बाद में पी और ये वो संस्थान है मान्यता प्राप्त जहाँ से यह कोर्स जो है संचालित होता है तो इन सबको आप रोक करके अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं एक सौ ग्यारह नंबर पर जो हमारा कोर्स है वह रहेगा कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस इसमें एक तरफ है इसका परिचय कि क्या करना पड़ता है एक तरफ है कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी अर्थात वह योग्यता जो आप में होनी चाहिए और आप इसे रोक करके लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर उसके बाद में आप देखें कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो यह कोर्स करवाते हैं 102 नंबर पर जो रहेगा हमारा कोर्स वह रहे रहेगा डिटेक्टिव और डिटेक्टिव के लिए कोई जासूस अगर बनना चाहता है तो उसका परिचय देखें योग्यता देखें और इसे आप लिख सकते हैं रोक करके अच्छी प्रकार से देख लें आप और जो कोर्सेज रहेंगे वह इस प्रकार से रहेंगे इसमें जासूस डिटेक्टिव में और ये वो संस्थान है जो इसको संचालित करवाते हैं एक सौ तीन नंबर पर जो हमारा कोर्स रहेगा वह है फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन पोषण वाला इसमें यह परिचय है क्या करना पड़ता है योग्यता इसमें दी है प्लस टू एग्जामिनेशन इन एनी रिलेवेंट स्ट्रीम उससे संबंधित विषय में और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट हैं इसे करवाने वाले वो यहाँ आप देख सकते हैं ये संस्थान इसे करवाते हैं और इस तरफ हैं ये कोर्सेज जो आपको करने पड़ते हैं 104 नंबर पर जो आपका कोर्स होगा वह है फॉरन लैंग्वेज एक तरफ़ है इसमें परिचय एक तरफ है आपकी योग्यता जो दक्षता आप में होनी चाहिए इसे आप रोक करके लिख सकते हैं और एक तरफ दिए गए हैं वो कोर्सेज जिस तरह से आप इसमें बढ़ते हैं एक तरफ वो इंस्टीट्यूट या संस्थान दिए गए हैं जो इन कोर्सेजों को संचालित करवाते हैं तो आप इन सब को एक बार लिख लें फिर इन पर विचार विमर्श करें 105 नंबर पर जो हमारा कोर्स रहता है वह रहता है होम साइंस इसमें एक तरफ है इसका परिचय विस्तार से जाने क्या होता है ये एक तरफ है आपकी योग्यता दक्षता जो आप में होनी चाहिए और इसे पोज करके आप लिख सकते हैं कि इसमें कोर्सेज किस तरह से आगे बढ़ेंगे या वो संस्थान जो इस कोर्स को संचालित करवाते हैं 106 छः नंबर पर जो हमारा कोर्स होगा वह है इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक तरफ है इसका परिचय एक तरफ है वो योग्यता जो आप में हो इसे आप लिख लें रोक करके और यह रहेंगे आपके कोर्सेज जो आपको करने इसमें होते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में और ये है वो यूनिवर्सिटीज़ या संस्थान जहाँ से यह कोर्स संचालित होता है और 107 सात नंबर पर जो हमारा कोर्स होगा वह है लिबरल स्टडीज़ एक तरफ है परिचय कि इसमें आपको करना क्या पड़ता है एक तरफ है योग्यता प्लस टू और इक्विलेंट एग्जामिनेशन इससे संबंधित कोई आपकी परीक्षा और यहाँ से हैं वो कोर्सेज जो इस को करवाते हैं ये वो संस्थान है मान्यता प्राप्त जहाँ से यह संचालित ये वाले कोर्स होते हैं आगे देखें 108 नंबर पर जो कोर्स है वह है लाइब्रेरी साइंस इसमें यह परिचय रहेगा और ये योग्यता प्लस टू सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज़ यह है इसकी आप रोक करके इसे लिख लें इसकी परिचय और योग्यता को और यहाँ से देखें वो यूनिवर्सिटियाँ या वो संस्थान जो इस कोर्स को संचालित करवाते हैं और ये रहेंगे वो कोर्सेज जो आप आगे दर आगे पढ़ते इसमें जाएंगे 109 नौ नंबर पर है अपना कोर्स मोंटेसरी टीचिंग एक तरफ इसका परिचय दिया गया है एक तरफ है योग्यता इसे आप रोक करके लिख लें उसके बाद एक्रेडिएशन रिकॉग्निशन का जो सिस्टम है वह भी इसमें दिखाया गया है इसे भी आप जानें और जो कोर्सेज इसमें अफोर्ड आपको करवाने होते हैं वह ये रहे और इसके बाद मोंटेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो यह रहेंगे दो और ऑनलाइन मोंटेसरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो ये रहेंगे अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप अगर इस विषय में रुचि रखते हैं अध्यापन में मोंटेसरी वाले में तो इसका परिचय प्राप्त करें और आगे बढ़ें और एक सौ दस नंबर पर जो हमारा कोर्स रहेगा न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स तो इसे आप देखें ये परिचय रहा ये आपकी योग्यता प्लस टू हो इन एनी रिलेवेंट स्ट्रीम संबंधित किसी भी विषय में तो आप इसको कर सकते हैं ये परिचय भी आप लिख लें और योग्यता भी और यहाँ पर आप देखें फिर जो कोर्सेज इसमें आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं वो इस प्रकार से रहेंगे और जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ये रही जो संस्थान इस कोर्स को संचालित करवाते हैं आप इन सब को लिख सकते हैं रोक करके एक से दस और कोर्सेज एक से छः इस प्रकार आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ें 111 ग्यारह नंबर पर आपका जो कोर्स होगा वह ये रहेगा इसका परिचय इस प्रकार से है और इस कोर्स का नाम है फिजिकल एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन भी आजकल बहुत से जो छात्र हैं स्पोर्ट्स में या और में जाते हैं उनका यह पसंदीदा कोर्स होता है इसमें भी आप प्लस टू किसी भी स्ट्रीम में हो फिज़िकल एजुकेशन के लिए और इसमें आप आगे देखें ये परिचय है इस तरफ योग्यता और जो कोर्सेज़ हैं वो इस प्रकार से आपको करने होते हैं बीएससी या बीपीएड या एम पी या इसमें फिर आ गए उत्तरोत्तर पी एच डी और एक तरफ इसके जो संस्थान हैं वह दिखाए गए हैं चौदह नंबर तक आप एक बार लिख लें फिर जो है आप आगे रोक करके सोलह तक उत्कल यूनिवर्सिटी भूपेन भुवनेश्वर है वैसे यह भूबेनेश्वर लिखा हुआ है भुवनेश्वर तो इस प्रकार से आप यहां से इन कोर्सेज को कर सकते हैं एक सौ बारह नंबर पर जो हमारा सेकंड लास्ट कोर्स है वह है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इसमें खेल कूद का अर्थ क्या है शारीरिक गतिविधियों में कैसे लिप्त हुआ जाता है व्यक्तिगत रूप से कौन से क्या खेल होते हैं आनंद के लिए जो है किस प्रकार से इसमें आप अपना समय व्यतीत करते हैं समूह टीम कौशल सीखना प्रतियोगिता में भाग लेना इसका पाठ्यक्रम एथलेटिक गतिविधियाँ उनका विवरण प्रबंधन संरचना नियम नैतिकता इस प्रकार बहुत सी चीज़ें आप जो है इसमें पाते हैं और योग्यता है टेंथ एंड प्लस टू एट एनी इंट्री लेवल जो है इसका वह रहेगा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट uh, में और एक तरफ जो है वो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ से यह कोर्स करवाए जाते हैं और ये रहे वो संस्थान जहाँ यह कोर्स संचालित होता है एक तरफ दिए गए हैं वो कोर्स जिसमें आप आगे बढ़ते हैं तो इन सब को आप रोक करके लिख सकते हैं पहले इंस्टीट्यूट को लिख लें फिर आप जो है कोर्स को रोक करके ये पंद्रह के करीब इसमें कोर्स होते हैं कोई डिप्लोमा है किसी में कितना साल या समय दिया गया वह सब आप इसमें नोट कर लें लास्ट जो हमारा कोर्स है एक नंबर पर वह रहेगा टूरिज्म एंड ट्रेवल्स इसमें जो है आप पर्यटन और यात्रा इन सब का भौतिक अध्ययन करते हैं उनके आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसमें पर्यटन पर्यटन बाजार और गंतव्य अर्थात वो डेस्टिनेशन जहाँ पहुँचना चाहते हैं इसमें व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ अध्ययन होता है और एक अंत विषय तरीके से ड्राइंग के रूप में कई सामाजिक विज्ञान से ज्ञान इसके अंदर होते हैं तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या योग्यता अपेक्षित होती है किस प्रकार की जो है दक्षता आप में होनी चाहिए तो यह आप देख लें परिचय और इसका योग्यता ये वो संस्थान है जहाँ से यह कोर्सेज संचालित तो होता है और इस प्रकार के जो हैं वो ये कोर्सेज़ रहेंगे जो आपको करने पड़ेंगे बेसिक कोर्स इन ट्रेवल मैनेजमेंट तीन मंथ्स या सिक्स मंथ का यह कोर्स होता है इसमें डिप्लोमा है टूरिज़्म मैनेजमेंट का डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयरलाइंस एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आई ए टी ए यह रहता है मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और फिफ्थ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज़्म एंड ट्रैवल तो इस प्रकार से वो छात्र जो इस विषय में या भ्रमणशील प्रकृति के यात्राशील प्रकृति के होते हैं और नए परिवेश में जो उनके लिए चैलेंज आता है वह सब आप इसमें देख सकते हैं तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये 113 प्रकार के कोर्स थे जिन्हें हम आ, अगर हमें नहीं पता है तो अतिरिक्त जान सकते हैं और जिस जिस कोर्स के बारे में हमें जानना है उसे पहले आप एक पेज के ऊपर लिख लीजिए और लिखने के बाद वो संस्थान कोर्स उसका परिचय विस्तार से आप अन्यत्र जानकारी भी उसकी प्राप्त कर सकते हैं तो आपको यह हमारा जो इतने विस्तार से इसके बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की जो और भी आपके भविष्य से संबंधित जानकारियां हम दे पाएंगे वह आपको ज़रूर प्रदान करेंगे और आप बेल का आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जो है सूचना आपके पास आती रहे कमेंट आप अवश्य लिखें लाइक करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन भी हो तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे ऐसा मैं मानता हूँ धन्यवाद